आदर्श चुनाव आचार संहिता नगर पंचायत चुनाव फाजिल नगर में 2022 लास्ट तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। कुशीनगर जिले के फाजिल नगर निवासी डॉक्टर कमलेश शाही ने कहा कि नगर पंचायत फाजिल नगर की जनता के सम्मान में हमेशा आगे आकर उनकी समस्या का समाधान का हिस्सा बनता रहूंगा। जनता का चौमुखी विकास ही मेरा मकसद है। उक्त वक्तव्य भी हम जिला अध्यक्ष व नगर पंचायत फाजिल नगर के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर कमलेश शाही ने न्यूज़ 9 नेटवर्क को बताया। सच्चा समाज सेवी वही होता है जो जनता की सेवा में निरंतर लगा होता है, पीड़ितों के सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि गरीबों के बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा के लिए मैं हर समय उपलब्ध होकर उनकी सेवा करता रहूंगा। आइए सुनाते हैं कि मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा डॉक्टर कमलेश शाही ने, सुनिए। सबसे पहले आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और मेरी बाइट लिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ नगर पंचायत में 20,000 कुछ सौ मतदाता हैं और जिसमें केवल फाजिल नगर गांव बाजार में ही 9,000 मतदाता हैं। और हमको अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित रूप से फाजिल नगर का विकास होगा। हमको सारे लोग नगर पंचायत के सभी गांव ग्रामवासी और मेरे गांव के लोग जानते हैं कि मेरी छवि स्वच्छ है, निर्भीक नेतृत्व है, सामाजिक काम करते आया हूँ, सामाजिक काम करूँगा और हर व्यक्ति के दरवाजे पे रोशनी रहेगी। सबसे बड़ी समस्या जल बहाव का है, नाली की है, जिस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। जल बहाव और नाली की समस्या को ख़त्म कराया जाएगा। जहाँ जहाँ जिन गलियों में सड़क नहीं होगा, हर गलियों को सड़क से मेन रोड से जोड़ने का काम किया जाएगा, RCC कराया जाएगा, हर पोल पे लाइट जलेगी, उजाला रहेगा। सबसे बड़ी बीमारी है कि सरकार की योजनाओं को बहुत सारे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसमें मात्र आधे लोगों को भी नहीं मिल पा रहा है, 50% भी नहीं मिल पा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से इसके लिए STM का वहाँ दौरा होना चाहिए और हर गांव में उनका कैंप लगना चाहिए, वीडियो का होना चाहिए। बार बार कहने के बावजूद भी वहाँ के वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।